इसको हम अव्यविचारिणी भक्ति योग नहीं कहेंगे। तभी तो भगवान ने गीता में पतिव्रता स्त्री का मिसाल दिया कि पतिव्रता स्त्री की तरह होवे मेरा भक्त। जैसे एक पतिव्रता स्त्री है, वो अपने पति के सिवाय दूसरा कोई विचार करना नहीं चाहती है, इसी तरह से मेरा मन भी ईश्वर के सिवाय कुछ ना सोचे। जहाँ भी ख्याल जाता है तो ये खोट हो गया एक तुम्हारे मन का, तुम्हारा विचार कहीं भी जाना नहीं चाहिए, अपने में मन रख के बैठो। और सत्संग में खास तौर पे आए हो अपनी साधना के लिए, और यहाँ भी ध्यान दूसरों में जा रहा है, कोई देर से आता है कोई जल्दी आता है, क्या फर्क पड़ता है इससे? ये तो वही हो गया ना कि हम उठ गए तो अब हम कह रहे हैं कि हम कितने अच्छे हैं, हम उठ गए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो फिर तुमको भी हम बोलेंगे शल्ला तू भी सोया रहता, तुम समय से आ जाते हो। तो इसका ये मतलब नहीं है लोगों को गिनोगे बैठ के कि वो देर से क्यों आया, अगले की मजबूरी हो सकती है, शरीर की दिक्कत हो सकती है, घर की परिस्थितियां हो सकती हैं। अब तुम तो अकेले हो तो कैसे भी चले आओ, खाओ ना खाओ, बनाओ ना बनाओ, सफाई करके आओ नहीं करके आओ, लेकिन जिनकी जान को चार बैठे हैं पीछे वो ज़रूर मैनेज करके निकलते हैं। क्या पता जो देर से आ रहा है शुक्र है आ रहा है, उसकी परिस्थितियां ऐसी हों आ भी ना सकता हो बेचारा, फिर भी पुरुषार्थ करके आ रहा है। तो इतनी तो समाधानता होनी चाहिए, चिंतन क्या करना किसी का, ये सब पर चिंतन है। आप ये सोचोगे मैं तो अच्छे के लिए सोच रहा हूँ, अच्छा बुरा हर एक अपना आप जाने, और या फिर बोला ना चंगे आईयां बुरे आईयां, वाचे धर्म हदूर, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। ये तो सब ईश्वर देख रहा है, वो साक्षी है सबके कर्मों का, हमें किसी के कर्म स्वभाव में जाके क्या करना है, ना किसके कर्म में जाओ ना किसके स्वभाव में जाओ ना किसको देखो, आंख कान मुख मूंद के नाम निरंजन ले, भीतर ही मिलेगा परमात्मा बाहर नहीं है। किसी को देख के क्या कर लोगे? दादाजी बोलते थे छा डिसी छा खे डिसी डिस्तु सिर्जन हार खे, क्या देख के भी क्या देखोगे? नजर रखो सृजनहार पे, और तुम्हारी नजर सृजनहार पे नहीं जाती है, और बातों में मन रख के बैठे रहते हो, क्या फायदा हुआ यहां आने का? रामकृष्ण परमहंस सत्संग कर रहे थे, अचानक खड़ाऊ उठाई और रानी रासमनी जिसके मंदिर में रहते थे उसके सिर में दे मारी। सबको लगा ये पागल हो गए हैं क्या, जिसके मंदिर में रहते हैं उसी के सिर पे खड़ाऊ दे के मारी है, आज तो ये निकला पुजारी गायब, आज से कोई नहीं रखेगा इसको मंदिर में। लेकिन रानी रासमणि उठी और रामकृष्ण के पैरों पे सिर रख दिया, बोला मेरे को माफ कर दीजिए, मेरा ध्यान कोर्ट में गया। सत्संग के बाद उसको कोर्ट जाना था, रानी थी तो ध्यान चला गया होगा कोर्ट में, तो वो ध्यान जाने के कारण रामकृष्ण परमहंस ने उसके सिर में खड़ाऊ देके मारी कि मेरे सामने बैठ के तो जगत का चिंतन क्यों करते हो। कई लोग बैठे ये सोचते रहेंगे अभी सत्संग पूरा होगा फलानी बात करेंगे, ये भी पर चिंतन हो गया। बात तो तुम्हारे पास कोई ना कोई संसार की होगी ना,
हो सकता है अभी ज्ञान सुनते सुनते बात लय हो जाए, ये भी क्यों सोचते हो बात करनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तुम निरसंकल्प होके क्यों नहीं बैठते हो? गुरु के पास आते हो, कम से कम यहां तो निरसंकल्प होके बैठो। एक का भी संकल्प उठाने की क्या जरूरत है? अंदर से खाली हो जाओ, जगत का अभाव करो। रोज हम कह रहे हैं जगत बना नहीं, फिर तुम एक जगत देखते, पहले वहां देख के आए, अब यहां जगत देखते हो। यहां भी सबकी खबर है तुम्हारे पास, मेरे पास नहीं है खबर, कौन देर से आता है, कौन जल्दी आता है। हम तो आके बैठते हैं, अपना ही सत्संग करते, अपने लिए करते हैं, जिसको सुनना है सुनो, नहीं सुनना दफाओ। पता नहीं तुम्हारे पास रिकॉर्ड कहां से बन जाता है, आंखें घुमाते होगे ना आखिर यहां बैठ के, इसको देख उसको देख, क्या लेना है तुम्हें? दोनों पैर कब्र में पड़े, पता नहीं कब धक्का लग जाए, पर मन मुआ ऐसा है ये फिर भी छोड़ेगा नहीं अपनी हरकतें, छोड़ेगा नहीं अपनी आदतें, फिर दूसरे में मन रख के बैठेगा। क्यों रखते हो दूसरे में मन, क्या चाहिए तुम्हें? भगवान पूछते थे, सत्संग का पॉइंट भी बताते थे ना, हम लोग कहते थे इसलिए तो नहीं लिखा है डायरी में जाके दूसरों को बताना है, क्यों लिखा तुमने? उतना भी छुड़ा दिया, बोलते थे अपने लिए कुछ लिखना हो तो लिखना, लेक्चर करने के लिए मत लिखना। ये पॉइंट आज चली है ना, बताऊंगा जाके दूसरे को, क्यों बताओगे? पहले अप्लाई करो फिर सप्लाई करना। सबके दिमाग में ये दूजे का कीड़ा घुसता है और घुसा रहता है, अच्छे हैं तो उनका चिंतन, बुरे हैं तो उनका चिंतन, कभी अपनी श्रेष्ठता का अभिमान। अब देखो एक एक शब्द गीता में अनुभव का है, लिखा ना श्रेष्ठता के अभिमान का त्यागी। अब ये है सूक्ष्म मन में श्रेष्ठता का अभिमान, मैं समय पे आ जाता हूं, मैं गुरु की वाणी का कद्र करता हूं, ये दूसरा देखो देर से आता है, गुरु की वैल्यू ही नहीं करता है। आ गया ना दिमाग में, अभिमान है क्योंकि अंदर श्रेष्ठता का अभिमान। इतना सा तप करते नहीं हो, अहंकार से मिट्टी कर लेते हो, मैं तो बहुत अच्छा हूं, समय पे पहुंचता हूं, गुरु की बहुत वैल्यू करता हूं। तुम वैल्यू करते हो कि ईश्वर ने करा दी है वैल्यू? कितने सालों से कई बैठे हैं जो वैल्यू नहीं कर पाए गुरु की, वहीं के वहीं खड़े हैं बेचारे जहां से चले थे, ना अपने को जीत पाए ना गुरु को जीत पाए, वहीं के वहीं खड़े हैं। कितने दिखा सकते हम तुम्हें? शुक्र है परमात्मा का कद्र पड़ गई है, आज अनुभव कर पा रहे हो कुछ तो उसकी कृपा है। तुम कौन है बीच में से? तुम्हें भगवान को जीना है, सत्य को जीना है, या इस माया के फेर में पड़े रहना है? जरा अपने से पूछ के देखो। जब तक भगवान को जीना शुरू नहीं करोगे, ये माया अंदर से निकलेगी नहीं, ये विचार ये विकार अंदर के खत्म होंगे नहीं। आप इंतजार करते हो कि जिस दिन ये मेरी माया अंदर से खत्म हो जाएगी ना, शायद उस दिन मैं भगवान को जीना शुरू करूंगा। नहीं, भगवान को जीना शुरू करो, उन्हीं को फील करो, उन्हीं के भाव में रहो, उन्हीं की याद में, उन्हीं के प्यार में, तो ये संसार आगे से हट जाएगा। तुम उल्टे काम करते हैं, जिस दिन माया हटेगी तो माया हटाओगे कैसे? माया हटेगी कैसे बताओ जरा? माया हटाने का साधन भी तो यही है,
कि मैं भगवान में अपने आप को समाहित कर दूं, मैं उनको जीना शुरू करूं तो आपा भूल जाएगा। पर जब उनको नहीं जी पा रहा हूं तो मेरा आपा, मेरे विकार, ये कदम कदम पे मेरे लिए खड़े हैं, ये मेरे को खाली होने नहीं देते हैं। अपने मन में भाव भी तो अच्छे करो ना। अब आप खुद ही अपने को संसारी जान रहे हो, असंसारी कैसे होगे? जरूर जो निश्चय करेगा मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध स्वरूप हूं, जो अपने स्वरूप के निश्चय में आएगा वही तो असंसारी हो पाएगा ना। अब आप अगर असंसारी का अर्थ ये लगाते हो कि पहले मैं संसार से छूटूंगा फिर मैं कहूंगा मैं असंसारी हूं, जिंदगी लग जाएगी। निश्चय करो मैं आत्मा हूं तो असंसारी ही हूं। तो जहां जहां संसार में लिप्तता समझ आएगी और उसको अपने आप तुम जीत लोगे, अपने आप तेरा मन इन विकारों से हट जाएगा, अपने आप तेरा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, अपने आप तू हर संकल्प से खाली होता जाएगा। पर पहले अपने को मानो तो सही, मैं निर्दोष हूं, तब तो मेरे दोष खत्म होंगे ना। अब जीव मान के दोष करता जाऊं और बोलूं मैं निर्दोष किस दिन होऊंगा, कभी भी नहीं होएगा। निर्दोष तब हो सकता है जब अपने अंदर निश्चय करे आत्मा का, तब निर्दोष होएगा। यही तो प्रॉब्लम है, हर कोई आत्मा के निश्चय से दूर रहता है और फिर कोशिश करता है लक्षण प्रकट हो जाए। कैसे प्रकट होगा? अपने अंदर के हर ख्याल को हमें जीतना है अगर, तो आत्मनिश्चय साधन बनेगा ना, कुछ और साधन बनेगा। अब तुम आओ यहां पर, आते ही अपने स्वरूप का अनुभव शुरू करो करना, जिस कारण आयो, जिस वक्खर को लैंड तू आया, राम नाम संतें दर पाया। क्या लेने आए गुरु के पास, उसी में मन टिकाना है ना, तो इधर उधर मन जाएगा ही नहीं। सिर्फ उतने में मन रखो जो तुम लेने आए हो, अपना ध्यान अपनी वृत्ति पूरी केंद्रित कर दो भगवान पे, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। पर तुम अपनी वृत्ति भगवान में ना रख के और दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह रखोगे तो काम कैसे बनेगा? कई लोग आते हैं अभी, यहां आके भी चिंतन, घर जाएंगे डांट पड़ेगी, फलाना ये कर। अब जब बैठे हो तो यहां तो निरसंकल्प होके बैठो, नहीं यहां से बैठे बैठे भी चिंतन घर वालों का, फिर हमने तुम्हें बिठा के क्या किया? हमने तो तुम्हें इसलिए बिठाया था कि तुम यहां बैठ के और निश्चय करेंगे आत्मा का। तुम यहां भी किसी की माँ हो, यहां भी किसी की पत्नी हो, यहां भी किसके पति हो, यहां भी किसके माँ बाप हो, तो फिर फायदा क्या यहां बैठने का? यूज है कोई? कोई यूज नहीं है। यहां बैठ के भी उनके चिंतन साथ रखें क्या फायदा? हटा दो ना सबका चिंतन, पूरा मौज लेके जाओ। रहते भी हैं डर डर के तो यहां भी आनंद नहीं आता। नमक मुंह में रख के चीनी खाए जा रहे हो, मुंह का सैला ही होने वाला है ना। नमक थूक दो अब थोड़े दिन, एक दिन आयो दो दिन आयो नमक थूक दो, आराम से चीनी खाओ, कोई टेस्ट तो आए कम से कम। यहां भी चिंतन उनका लगे बैठे हो, ये कहेंगे ये कहेंगे। अच्छा तुम्हें सारा कुछ पता है क्या क्या कहेंगे? पता है ना तुम्हें, तो फिर तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए, कोई नई बात तो उन्होंने कहनी नहीं है,
वही पुरानी बातें कहनी है ना, तीन चार जो हैं, क्योंकि अभी मैं तुमको बैठा के पूछूं गुस्सा करेंगे, हाँ बोलेंगे वहीं रह जा, क्या जरूरत थी घर आने की, यही तीन चार पिटे हुए डायलॉग है ना जो हर बार सुनते हो, तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए। घर मस्जिद के पास वो पता है मुल्ला बांग देगा ही देगा, कोई बात नहीं, आदत होती है अभी मुल्ला का बांग देने का, टाइम है। घर मंदिर के पास वो पता होता है आरती का टाइम है, अभी घंटे घड़ियाल बजेंगे, तो घर में भी पता है हमें मुल्ला बैठा है, एक पंडित बैठा है, एक आरती करने वाला मुल्ला बैठा है, बांग देने वाला, चल दे देगा थोड़ी देर बांग, चुप कर जाएगा और क्या करेगा, दो तीन मिनट की बांग ही तो देता है मुल्ला भी, कितना बोलता है, घर में भी कितना बोलते हैं लोग, चल दो चार मिनट बोल के चुप हो जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ है? डर कहाँ से आता है तुम्हें, हमको ये समझाओ, डर भी किस चीज का है, पाप कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, कर्जदार हो किसी के, अपने पैदा किए बच्चों से भी तुम लोगों को डर आता है, बेटे से डर लगता है, इनसे तो नहीं, अब वो इनसे छूटी तो बेटे से डर, काहे को डर लगता है, उसको बोल तू पैदा हुआ था इतना सा था, वहीं गर्दन मरोड़ देती ना, होता भी ना तू, शुक्र कर मेरी वजह से दुनिया में है तू, और तुम लोग ऐसे डरते हो पता नहीं जैसे उनका गुलामियां करके तो दो फुलका खा रहे हो, अपना तुमने हक खुद गवाया, दब दब के एक एक के आगे दबते हो, क्यों दबते हो, क्या कसूर है तुम्हारा, ये सब कमी है क्योंकि तू निश्चय में नहीं खड़े हो, आत्मनिष्ठा नहीं है, आत्माकार की ऐसी अवस्था होती है, सालों के साल हो गए ज्ञान सुनते हुए फिर बोलेंगे हमको डर लगता है, बेटे से डर लगता है, बेटा तेरे को बेटा कब दिखता है, बेटा है तेरे को, तू आत्मा है तेरे को बेटा है, जरा हमको ये क्लियर करके बताओ। हमारे भगवान ने तो एक आदमी से पूछा एक बार, आप शाम के सत्संग में नहीं आते हैं, कहता है गुरु जी शाम को थोड़ा घर के काम कर देता हूं, भगवान ने बोला क्या करता है, भाजी तरकारी ले आता हूं, जो वो पीछे पड़े उसके बोले तू आत्मा है या तू भाजी लाने वाली आया है, आत्मा है बच्चे खिलाने वाली नौकरानी है, जरा बता तो सही, इधर से हमसे आत्मा सुनते हो, उधर से जाके जगत में लिप्त होते हो, तुम्हारी स्थिति क्या है, मिटने को कहा ना तुम्हें, ये तो नहीं कहा कि अपनी आजादी बेच दो, अपनी मैं वो अपना अस्तित्व ही बेच दो, गुलाम होने को तो नहीं कहा था, हमने नम्रता करने को कहा था, ज्ञान भी तो उल्टा उठाते बात करते नहीं, ये तो जिस दिन किसी की गर्दन पकड़ लो तो उसका ज्ञान समझ में आ जाता है, वरना तुम लोग तो अपना मस्त हो खुश बैठे हो, रोज दो गालियां खा लेते हो, डाइजेस्टिव चूर्ण है ये तुम्हारा, रोटी हजम करते हो इससे, सेवा भी करो नौकर भी बनो और गालियां भी खाओ, क्यों खाओ, रौब से रहो हक से रहो, बोलो जिसको तकलीफ है बाहर का रास्ता देख लो, हम तो ऐसे ही चलेंगे, हम अपने हक से रहेंगे। अर्जुन को भगवान ने हक दिलवाया। अब तुम लोगों को हमारी ये बातें सुन के मिर्च भी लग रही होगी अंदर अंदर कि उधर से बोलते हैं मिटो, उधर से बोलते हैं हक लियो, लेकिन सच्चाई तो यही है, तुमको जीना छोड़ने को थोड़ी कहा है हमने, मुक्ति का आनंद तो मानो कम से कम, बिल्कुल ही ऐसे अपने को ना किसी ने खरीदा ना बेचा, हालत गुलामों से बदतर कर ली अपनी, एक रात रहने को कह दो तो मुश्किल हो जाता है, चेहरे पे ही भाव आ जाते हैं डर के तुम लोगों के, बेटे ने कहा था वापिस आ जाना, यानी क्या करेगा मुझे ये समझाओ, क्या करेगा, ये कहेगा घर मत आ, वापिस आ जाना, यहां एंजॉय करना रह के, हमारे साथ चलना, जितनी उनकी गुलामी करते हो ना, कर लो एक महीना गुरु की सेवा, मुक्त हो जाओगे, सच बता दें, जितना करते हो उन लोगों के लिए, बिना मतलब बंधन है,
उल्टा तुम्हारा रौब होना चाहिए, तुम सबको बताओ कि मैं कर रहा हूं इतना तुम्हारे लिए, तुम डरते हो सारा दिन, किस चीज का डर है? ये भी तो पाप है, खाते हो भगवान का, गाते हो संबंधियों का। लड़की शादी करके आए ससुराल में, खाना पीना कपड़ा सब ससुराल से मिले, और सारा दिन बैठ के गाना गाए मायके का, मेरे मायके में ये, मेरे मायके वाले ऐसे, कितने दिन रखेंगे ससुराल वाले? और तुम लोग क्या करते हो? खाते हो भगवान का, गाते हो बेटे का, पति का, सबका, भगवान का ही गाना भूल गया तुम लोगों को, बाकी सबका गा रहे हो। डर है किस चीज का? आदमी बैठा है अभी तो सिर पे, बेटे से किस चीज का डर है? ना भी हो आदमी, तू अपने आप में ब्रह्म स्वरूप है, जगंदी ज्योत है, फिर क्या वैल्यू क्या की तुमने अपनी? हैरानी की बात है, इतने सालों से हम जगा रहे हैं, मान ना मान तू है भगवान, मान ना मान तू है भगवान। भगवान जी की हालत तो देखें, घर जाके पोतड़े धो रही है बैठ के, भगवान जी है। बेटे से डरती है, भगवान जी है। ये कौन सा भगवान है? कहां से पैदा हुआ है ये भगवान जो सारा दिन भय में जीता है? काहे का भय है तुम्हें? दो रोटी पे नौकर हो, किसी के यहां भी इतना काम कर दे ना, दो रोटी क्या महारानी बना के रखेंगे? जितनी इन बेटों की करते हो ना तुम लोग, बाहर किसी की करके देख लो। एक नौकर भी अच्छा होता है, मालिक उसकी भी वैल्यू, दिवाली पे बोनस मिलता है, और तुम लोगों को दिवाली पे एक छुट्टी का भी बोनस नहीं है। करते हो ना सारी जिंदगी, नौकरी वालों को भी बोनस मिलता है, भाई यहां दिवाली है चलो खुश कर दो। तुम्हें किसी ने खुश किया? तुम्हें दिवाली पे भी एक छुट्टी नहीं है? त्योहार कहते हैं घर करना, काय घर करना, घर में ही तो हो तुम, उल्टा बाहर जाके त्योहार किया तुमने, हो तो घर में। बोलो हाँ सही कह रहे हो, अपने घर में ही करेंगे त्योहार, बाहर कहाँ करेंगे? लड़की ब्याही हुई भी हो तो कहते अपने ससुराल करे त्योहार, अब तुम भगवान के हो गए ना, फिर कहाँ करो त्योहार? अपने घर में करो, अपने घर में आओ, अपने घर में रहो, अपने घर में बैठो। हमारे अंदर फीलिंग्स क्या चलती हैं? देखो जब ज्ञान भी चलता है ना, ज्ञान पूरा आप लोग अपनाते नहीं हो, आधा अपनाते हो, आप कहते हो इन्होंने ऐसा कहा, हमने तो कहा, तुमने क्या किया? तुम्हें फील हुआ मैं आत्मा हूं, तुम्हें फील हुआ मैं ब्रह्म हूं, चाहे कुछ ना फील हो, तुम्हें सन ऑफ गॉड फील हुआ, बच्चा फील हुआ कि मैं तो बच्चा हूं भगवान का? हाँ चिल्ड्रेंस डे है ना, अभी थोड़ी देर बाद सारे शुरू हो जाएंगे, हैप्पी चिल्ड्रेंस डे। तुम चाइल्ड हुआ, हम पहला सवाल तुमसे करते हैं, तुम बच्चे हो गए, तुम गुरु के बच्चे होके चल रहे हो, तुमने क्या किया तुम जरा ये बताओ? अभी तुम्हें ही फील नहीं होता मैं असंसारी हूं, घुटन होती है वहां पे, तुम्हें उन कर्मों से घुटन नहीं होती, तुम्हें घुटन तब होती है जब वापसियां ठीक नहीं मिलती, वैसे तुम्हें कोई घुटन नहीं है, तुम्हें कर्म में घुटन है, बहुत फर्क है। ज्ञानी को संसार में घुटन है, आप कहते हो हमें भी है, बड़ा घुटते हैं पर क्या करें, नहीं आपको कर्म से घुटन नहीं है, आप जो फंसे हो माया में उससे घुटन नहीं है, आप बाल बच्चे पाल रहे हो, आपका सत्संग छूट रहा है, आपको इससे घुटन नहीं है, आपको घुटन होती है जब बहू मुंह बनाती है, आपको घुटन होती है जब बेटा बोलता है, क्यों? आपका मन कहता है मैं इतना कर रहा हूं ये वैल्यू तो करें, बाकी आपको कोई घुटन नहीं। और ज्ञानी को इस कर्म से घुटन होती है, भगवान छूटे छुटाए को कहां फंसा रहे हो, क्यों फंसूं मैं, क्यों अटकूं मैं? पहले दिन से बोल्ड बनते अगर नहीं फंसते ना, और अभी भी बोल्ड बनो तो किसी की हिम्मत ना हो बोलने की, अपनी आजादी से चलो, पता होना चाहिए सबको छुट्टी है तो ये गायब है, पर तुम बोलोगे नहीं, फिर छुट्टी वाले दिन वो भी
बेचारे कहीं ना जाएं, जाएं ना अपना बाल बच्चा उठा के ले जाएं साथ, हमने कहा था पैदा करो या हमारे लिए पैदा किया था, ले जाएं उसको साथ, अपना प्रेम व्रेम सब मिलती है, रखें उसको गाड़ी में ले जाएं, डिक्लेयर करके रखो ना कि हम नहीं मिलेंगे, पता होना चाहिए। तुम इतना सिर देते हो कि तुम्हें भी मजा आ रहा है, असंसारी तुम भी नहीं हो अंदर से, ये भी समझो। तुम्हें लोकारीत है, दुनियादार लोग क्या कहेंगे, अब बच्चा क्रच में रहे, मैं सत्संग घूमू फिरू लोग क्या कहेंगे, तुम्हें है मर्यादा अंदर, मान मर्यादा लोक वासना तुम्हें क्या नहीं है बताओ जरा, तुम्हें नहीं लगता मेरा फर्ज है ये, इसी से बंधे ना, फर्ज माना, ब्रह्म को कौन सा फर्ज होता है मुझे तुम जरा ज्ञान समझा दो, तुम ही लोग समझाओ बैठ के, या तुम्हारा ज्ञान गलत है या हमारा ज्ञान गलत है, कोई पंगा तो है, ब्रह्म का कौन सा फर्ज होता है, ब्रह्म का क्या कर्तव्य होता है, तभी तो चोरी छिपे भाग जाते हो जहां जाना होता है, मेरे को बता के क्यों नहीं जाते हो, कहां जा रहे हो, कहां आ रहे हो, क्यों गायब हो सत्संग से, जरा मेरे से हिसाब करो, मैं बताऊं तुम्हें ब्रह्म क्या होता है। सबने गाना बना लिया, आत्मा 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 आत्मा, और कर सब रहे हो, समय पर तुम्हें सारा संसार याद है, पूरा जगत भासता है तुम्हें, बैठो हमको निश्चय बताओ जरा, सिर्फ बातें, उधर से आत्मा है उधर से जीना मरना भास रहा, उधर से आत्मा है उधर से फिर दुनियादारी भास रही है, उधर से आत्मा है उधर से फर्ज ड्यूटीज बांध रही है, फिर मेरा फर्ज है ना, फिर मेरी ड्यूटी है ना, क्या फर्ज है क्या ड्यूटी है, काहे का फर्ज ड्यूटी है, जरा अपने से पूछ के देखो। समय पर जब तुम अपने को छुड़ा नहीं सकते तो ज्ञान का निश्चय क्या है, चिंतन तो वही संसार का है, अब भले तुम बोलो हम जहां भी जाते हैं निर्लेप रहते हैं निश्चय में, ये बकवास हम नहीं सुनते किसी की, पत्ती ने अंदर से रस लेना छोड़ा तो बाहर से भी जड़ेगी, हमको ये मत सुनाओ, तुम लोग फिर सोचते हो हमको ज्ञान सुना के चले जाओगे, हमको तुम्हारे ज्ञान समझ में आता है, लपेटा हुआ है ज्ञान, अंदर अज्ञानी है, हम जाम भी गए भजन गाया ये किया, भजन गाने के लिए वहां मरने की क्या जरूरत थी, दुनिया में गुरु के पास बैठ के गा भजन, सत्संग में बैठ के गाओ भजन, नहीं हमने वहां भी आप ही की बातें बताई, सत्संग बताया, बड़े शौक से सबने आपका सत्संग सुना, तो मैंने तेरे को प्रचारक बनाया है क्या, जाके सत्संग का प्रचार कर, पहले अपने मन में तो कर ले प्रचार, अपना मन खाली है दुनिया को सुनाए, अपनी स्थिति बनी नहीं दूसरों को ज्ञान बोले आए, फिर कहेंगे हम जहां भी जाते हैं आप ही की बातें करते हैं, भाड़ो क्या वो क्या होते हैं भट्ट, भट्टो क्या, सारा दिन मेरी प्रशंसा करने के लिए इधर भागते हो इधर भागते हो, कहीं नहीं, अब वो तो तुम्हें लगता है डर गुरु पकड़ेगा मेरी गर्दन, तो फिर सोचते हो चलो इनको बता देते हैं कि हमने वहां भजन एक भजन गा लिया होगा, दो चार बातें कर ली होंगी, हमने वहां भी सत्संग ही किया, एक माई गई कहीं शादी में, गुरुजी वहां भी आप ही को देखूंगी, बस मैं तो आप ही को साथ ले जा रही हूं, वो बोले मैं यहीं बैठी हूं ना यहीं देख मेरे को, साकार को छोड़ के तो वहां निराकार में मेरे को देखेगी, जब हम बैठे हैं यहां बैठी रहे दर्शन कर, उल्टा दो दिन घर के लोग घर में नहीं है तो यहां रह जाने हमारे यहां, हमारे यहां आके रहो बैठ जाए यहां आके, नहीं है ना कोई, सारे घर के जा रहे हैं, ताला मार और तू भी यहां आ जा दो दिन, मौत से रह हमारे यहां, आ जाएगी वापस, गायब हो गई फिर ना मिली। गीता भगवान बोलते थे एक को छूटो छूटो छूटो, बस भगवान बच्चों की शादियां हो जाएं छूट जाऊंगी, गीता भगवान उससे हंसते होते थे,
बोले जब शादी होएगी ना, बेटे की सगाई होएगी, यहाँ तक डूबोगी, जब शादी होएगी यहाँ तक डूब जाएगी, और जिस दिन बच्चे बच्चे हो गए तो दिखेगी भी नहीं मेरे को। बात हो गई, कई साल बीत गए, एक दिन कहीं बाजार में मिल गई, गुरुजी से मिली, थी यही लखनऊ की, भगवान तो मिले प्यार से, खुद ही बोलने लगी गीता भगवान सही कहते थे, कितने साल हो गए मैं बिछड़ गई सत्संग से। सब दिलासा यही देते हैं, बच्चों की शादी हो जाए हम लोग सत्संग आएंगे। सगाई हुई तो घुटनों तक आया था पानी, पहले पैर बंधे, बाजार की दौड़ें शुरू हुई, शादी जो करानी है, फिर हो गई शादी, यहां तक पानी आ गया, लिप्त हो गए, करदन तक डूब गए, बहू को अकेला कैसे छोड़ें, कभी उसको बेड रेस्ट है, कभी कुछ है, कभी आना जाना है, कभी रिश्तेदारी है, कभी किसके यहाँ लंच डिनर है, हो गया, पानी आ गया तेरे गर्दन तक, अब हो गया एक आधा पोता पोती पैदा, चलो काम खत्म। ये तो फिर 10 वर्षीय सूत्रीय प्रोग्राम सरकार बनाती है ना, तुम्हारा भी यही है, एक पैदा होगा फिर उसके 4-5 साल काटोगे, तब तक दूसरे की तैयारी हो जाएगी, फिर उसके 4-5 साल काट, तब तक तेरी तैयारी हो जाएगी ऊपर जाने की, काम खत्म। चल भाई माता हरिओम, यही होना है, खुद ही कह देते हो 4-5 साल का एक बच्चा हो जाए, देख लो भाई तुमने अब जोड़ी तो करनी है पूरी, ये बुढ़ियों को बीमारी लग जाती है, दादियों को जोड़ी चाहिए इनको, अपने जोड़े बना के बड़ी खुश हैं, अब फिर बेटे की जोड़ी बनाई, फिर पोतों की जोड़ी बनाएगी, तुमको द्वैत में ही तो मजा आता है, अद्वैत में तो सुख है ही कहाँ तुम्हें, खुद ही बोलते हो, अब देख लो फिर इसका तो काम हो गया, तो अपना भी मन लग गया ना कि अब ये अगर स्कूल जाने लगा तो मैं क्या करूं, लाओ दूसरा दे दो मेरे को, मैं तो गंध में हाथ मार के रखूं अपना, सुअर को विष्ठा में मजा है, तुम लोगों को भी विष्ठा धोने में ही मजा आता है, सारा दिन उनका मैला उठाते हो, गंध उठाते हो, बोलो उनको नौकरी छोड़ के बैठो, अपने बच्चे पाल लो फिर करना नौकरी, नहीं नहीं बंदी लगी तनख्वाह आती है 80,000-70,000, तो 70,000 अगर तनख्वाह लाती है तो तेरे सिर में जूते भी तो 70 मारती है रोज, तेरे किस काम का वो पैसा, पता नहीं अकल ही नहीं है तुम लोगों के अंदर, नहीं बच्चे कमा लें फलाना कर लें सेट, और तू जो अपसेट है अंदर से, उन्होंने तो बंगले भी बना लिए, मकान भी ले लिए, गाड़ियां भी ले ली, उनकी गृहस्थी भी हो गई, सब कुछ हो गया, तेरे हाथ क्या आया, तुझे मिला कुछ, तुझे दो प्यार के बोल भी नहीं मिलते, फिर भी फंसे, जब करने के बाद भी वो कड़वा बोलते हैं तो जहां अपना निकलोगे अगर दो कड़वे बोल बोल लेंगे फर्क क्या पड़ेगा, जरा खोपड़ी में ये बिठाओ बात, करने के बाद भी कोई मीठा तो बोल नहीं रहे, आके शाम को आरती तो उतारते नहीं, आओ माता जी बैठो, फुल्का हाथ में देते हैं, आप थक गई होंगी दिन भर, उल्टा उम्मीद करते हैं आपने किया ही क्या, बच्चा तो सो जाता है 2-3 घंटे, आप एक दाल तो चढ़ा देते, फुल्का तो बना देते, यही मिलता है ना रिवॉर्ड, वो जितनी मेम साहब वहां पे है उतनी घर में दफ्तर में वो चलाती है सबको अपने अंडर, पीएन से पानी ये वो, घर आते ही चाहे सास से चाहिए, फिर क्या फायदा हुआ। तो जब इतनी करने के बाद भी उल्टा ही है इनाम, तो अगर 2 छुट्टी वाले दिन अपनी मर्जी से जी जाओगे तो भी यही बातें आएंगी, पर कम से कम तुम्हें तो पावर आएगा, खुश होगे, एक एम होगा, पता होगा मेरी भी कोई जीवन है, भाई तुम्हारी छुट्टी है तो मेरी 2 दिन वहां ड्यूटी है, मैं जा रहा हूं, मैं भी जा रहा हूं आराम करने, कर दो डिक्लेयर, बोलो मंजूर है तो ठीक है, नहीं मंजूर है तो भी ठीक है, मैं पूछ नहीं रहा हूं बता रहा हूं, कोई टपके ना ऊपर से क्या मतलब, बोलो मैंने बताया, मैंने पूछा नहीं,
इतना नहीं जाओगे आप? बोलो मैंने कहा ना, मैंने पूछा नहीं, मैंने बताया, खत्म। क्रोध में भी आने की जरूरत नहीं, लेकिन पावरफुली बोलो, कब तक घिसोगे, कब तक मरोगे? उनके घर से कुछ नहीं जाना, मुफ्त की नौकरानी मिली है, दो रोटी अपना खाती है ता काम करती है। कोई नौकरानी रख लें इतनी वफादार नहीं निकलेगी और इतना काम नहीं करेगी। तुम तो फ्री ऑफ कॉस्ट आया हो, बढ़िया, दो रोटी तो इंसान कुत्ते गाय की निकाल देता है, तुम्हारी निकल गई, राशन में से क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ता है। तुम लोगों को रोटी खिला रहे हैं, रोटी क्या खिला रहे हैं? रोटी तो हम लोग खिला देंगे, आजा बैठ जाए यहाँ, कर हरि सिमरन, दो फुलके से तुमको कोई नहीं वो होएगी परेशानी, रोटी वोटी कोई नहीं खिला रहा। तुम नहीं निकालते थे चिड़िया की, गाय की, कुत्ते? आजकल बच्चे ने माँ बाप की निकाल देते हैं दो रोटी बस, इससे ज्यादा क्या है? तुम मुझे समझाओ, आज फैसला करो, तुम्हारा ज्ञान गलत है कि हमारा गलत है? इतने सालों से बैठे हो, या तो तुमने गलत उठाया या फिर शायद हमें समझ नहीं आई ज्ञान की। फिर बोलेंगे अब इनको घर गृहस्थी होती तो इनको पता होता। तुम लोगों का मन तो इतना नालायक है, फिर कहेगा इनको तो बैठे बैठे बोलते हैं, इनको क्या पता? हमारे घर में जो बीतती है वो हमारे साथ बीतती है, तुम बितवा रहे हो तो बीतती है, बीतती तो हमारे साथ भी, हमने छुड़ा लिया ना अपने को, ना तो बीत रही होती है ये सब, किसी चक्की में तो पिसे पड़े होते हम लोग भी, छुड़ा दिया गुरु ने, उसकी कृपा है। और तुम भी गुरु को हाथ दियो छुड़ा लेगा, गुरु रोज कह रहा है हाथ दियो, अच्छा नहीं देता तो हाथ लियो, पर नालायक तुम लोग खुद हो। इतने इतने दिन सत्संग बैठ के फिर भी जब तुम ऐसी बातें करते हो ना, लगता है तुम लोगों की गर्दन ही दबा दी जाए। कर क्या रहे हो सत्संग में बैठ के? तुम्हें तो आनंद से जीना चाहिए, हक से जीना चाहिए, खुश रहना चाहिए। करे भी जा रहे हो, रोए भी जा रहे हो, एक दिन आने को भी तुमको हिम्मत नहीं है अंदर, क्या मतलब है ये? क्यों है ये? ऐसे भजन गाओगे मेरा सतगुरु पीरां दा पीर, मेरा मन रंगे आ गया, तो क्यों नहीं रंगा अभी तक? क्यों नहीं रंगा? अब ये तो चलता रहेगा, पहले बाप की गुलामी करो, फिर बेटे की गुलामी करो, बस तुम गुलाम होके ही मर जाना एक दिन। ज्ञान भले मुक्ति का मिला तुम लोगों को, आजादी का ज्ञान मिला, पहले सारी जिंदगी बाप को सहा, अपने बाप को सहा, फिर बच्चों के बाप को सहा, अब फिर बच्चों को सहो, क्यों भाई? क्या कसूर किया है तुमने? शादी करके कसूर कर लिया, एक फंस गए, लेकिन अब छूटो, रौब से रहो, कहीं कहीं फुंफकारना पड़ता है। सांप को बोला ना, तेरे को काटने को मना किया तो फुंफकारने को थोड़ी, कभी कभी फुंफकारना भी पड़ता है, दिखाना पड़ता है रौब संभाल के। बहुत नम्रता करते हैं, हमारे पास ये सब आते हैं, बच्चे बच्चे वाले सब बैठी हैं ये, लेकिन जिस दिन कोई आवाज करता है कहती है हमको, एक बार बोल देते हैं देखो फिर मेरे को दूसरा रूप दिखाने को मजबूर ना करना, सीधे रहते हैं ऐसे। कभी कभी शोर मचाना पड़ता है, उसमें क्या है? ये थोड़ी है कि बिल्कुल अपनी जगह हक दे दिया, हम टोकते नहीं, कुछ कहते नहीं, आने जाने पे कुछ नहीं कहते, घर होते हैं सेवा भी कर देते हैं, पर फालतू बात नहीं। बिल्कुल ऐसे हो जाओगे ना तो मुश्किल हो जाएगा समय काटना, और सबसे बड़ी बात अपने अंदर कितना डिप्रेशन आ जाएगा। एक समय अंदर वाला भी तो उदास होता ही है, उसके कोई भाव नहीं है, भगवान मिला, ज्ञान मिला, अपने मन में कितने भाव होते हैं, अपना मन नहीं करता संग करने का, साथ करने का, अपना मन भी तो करता है। हम कभी इतने आजाद तो हों कि अपनी मर्जी से आ जा सकें। अभी तुमको बोले हमको कल हरिद्वार जाना है, चलो, मन बहुत होगा पर क्या बोलोगे? पूछूं एक बार। इतने तो आजाद होके रहो मर्जी से हामी भर सको कि हम जा रहे हैं, एक फोन से काम हो जाए,
सीधा फोन करके बोलो हम जा रहे हैं। काम वाली को देखा, जाते जाते दरवाजा बंद करते करते, बीवी जी चार दिन नहीं आऊंगी। चल, बीवी जी अंदर कलपती रहे। तो तुम्हारे भी घर में जितने बाबे बीबियां बैठे हैं ना, बस एक फोन करके कह दो मन लग गया, अभी दो तीन दिन नहीं आ रहे, फोन रख दो, नाचते रहे आपस में, बोलने जितना बोल, तेरे जाने से पहले इतना बोल चुके होंगे, तेरे आगे बोलने की हिम्मत ही कम होएगी, मुंह सुझा लेंगे ज्यादा से ज्यादा, बोल तो पहले लेंगे, थक गए होंगे बोल बोल के, दो तीन दिन में बोलेंगे तो सही ना, कितना बोलेंगे, बोल बाल के तेरे जाते तक तो शांति हो चुकी होगी, अपना जाके काम। और फिर भी कोई बोले तो एक से सुनो दूसरे से निकाल दो, जो लेके जा रहे हो उसके मुकाबले तो फिर भी बहुत कम होगा ना जो सुनोगे। फिर काहे दूसरे को दिमाग में रख के बैठे रहते हो, किस लिए? अजीब स्थिति बनाई है तुम लोगों ने, हिम्मत नहीं होनी चाहिए इनकी बेटों की एक फालतू शब्द बोलने की, कस दो एक झापड़, मैं बोल फालतू, जबान बंद, माँ हूं तेरी, यहां भले मर जाओ पर वहां जब जरूरत पड़े तो उनको याद दिला दो माँ हूं, समझ आई, माँ हूं तेरी, चुपचाप बैठ। तुम बेटों से भी डरती हो, डर लगता है, डर लग काय का डर लगता है, मुंह टेढ़ा करके चलो बोलो, कुछ नहीं है ना, पैसे हैं ना कोई बात है ना सेवा है, चल दफा दिखा आकड़ जितनी दिखानी है। दुनिया से डरोगे दुनिया डराएगी, चैन ना लेने देगी रौब जमाएगी, तान के सीना चलो दुनिया। हम नहीं कहते किसी को तंग करो, लेकिन अपने को भी तो तंग मत करो ना, एक बैलेंस तो होवे इंसान के पास। ज्ञानी किसी को कुछ नहीं कहता है, पर अकारण कोई पीछे पड़ जाए तो फिर सही करना भी जानता है। ऐसे कोई निंदा कर रहा है, कोई बात कह रहा है, अच्छा ठीक है बोलने तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी की उन्नति नहीं सह सकता, पर अगर कोई फालतू बात करता है कभी जरूरत पड़ती है तो सामने जाके भी बात कर सकते हैं, ऐसी क्या बात है, डर थोड़ी मारा है किसी का, डरना किस चीज से। निंदा से भी हम तब डरें जब हमारे कर्म गलत हों, वरना निंदा से भी नहीं डरना। अंदरूनी हमें पता है ना, अब कई लोग होते हैं ऐसे, खुद ही गलत करते हैं फिर खुद ही बदनाम करने भी चल पड़ते हैं, मालूम है हमने कोई गलती नहीं की, ठीक है बोलने दो, निंदा से भी डर नहीं। हाँ कहीं कर्म गलत होगा तो निंदा से भी डर लगेगा, वरना निंदा से भी कोई डर नहीं। हम जानते हैं प्रकृति एक दिन अपने आप इंसाफ करती रहती है, और ना भी करे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं हम किसी से एडजस्ट करने को तैयार नहीं, मिलके चलने को तैयार नहीं, घर में सब कुछ होता है, पर अगर हमारा समय है, अब उस समय तुम शोर मचाओगे तो फिर हम भी नहीं सुनेंगे, जब हमें निकलना है तो हमें निकलना है, इसमें कौन बड़ी बात है। सारी जिंदगी हमने कमाया है, अगर थोड़ा हम अपने पे खर्च लेंगे तो क्या हो जाएगा। एक आती थी गुरुजी के पास, उसका बेटा बोलता था रोज इतना किराया लग जाता है मम्मी, तुम सत्संग जाती हो रोज किराया खर्चती हो। भगवान ने बोला मुए को बिठा के बोल, अगर तेरा बाप सिगरेट पीता होता, बीड़ी पीता, शराब पीता, ये रोज का खर्चा था, हम जो मंदिर टिकाणों में जाते थे दान करना मत्थे टेकना खर्चा था, गुरु ने वो सब बचा दिया ना, अगर किराया लगता है तुझे क्या तकलीफ है। सारी जिंदगी हमने कमाया, अगर हम थोड़ा सा किराया खर्च के सत्संग तक चले गए तुझे क्या तकलीफ है, तू क्यों शोर मचाता है। हर बात का जवाब होना चाहिए तुम्हारे पास, हर बात का। कहीं जाना पड़े, टूर पे भी जाना पड़े, अब आप जाओगी 3,000 लग जाएगा, 5,000 लग जाएगा, बोलो तो मैं सोने की अंगूठियां तो नहीं मांग रही, चेन तो नहीं मांगी तुमसे, फिर
जब हम और कुछ नहीं मांगते, ये हम खर्चा अपना करेंगे। हम कोई शॉपिंग्स करने नहीं जाते, हम बहन भाइयों के घर नहीं जाते, हम कोई फ्रूट मिठाइयाँ नहीं बांट रहे, हम कोई दिवालियाँ नहीं बांट रहे, कुछ नहीं कर रहे। सब व्यवहार गुरु ने छुड़ा दिया, तो उसके एवज में तो मेरा किराया बहुत कम है। चुप, स्ट्रांग बनो ना। तुम लोग हर बात को सुनते हो, फिर वो किराया भी गिनते हैं, उसकी इतनी मजाल कैसे है किराया गिने। बोलो फिर, मैंने जिस दिन गिनना शुरू किया ना एक एक रुपया, दिमाग ठिकाने ला दूंगी सबका। रखो पावर अपने अंदर, काय डरते हो, काय घबराते हो। भगवान तो बोलते थे टैक्सी करके भी आना पड़े तुम आओ, घर बार सब दिए ही बैठे हो ना, करोड़ों की जायदादें दिए बैठे हो। चलो कोई नया काम नहीं किया, हर कोई बच्चों को देता है, लेकिन इतना रियलाइज तो करें कि अगर माँ बाप ने इतना कर दिया, थोड़ा उनको अपने पर भी खर्चने का हक है। एक बार हम कहीं जा रहे थे, बाहर जाना था, तो मैंने किसी को बोला, मैंने कहा आप चलिए, फ्री हैं, सारी जिंदगी जॉब किया है, अभी रिटायरमेंट हुई है तो पैसा होगा ही, अपना भी होगा। उसके बेटे ने सिर्फ इसलिए नहीं जाने दिया कि मम्मी इतना पैसा खर्च हो जाएगा और हम अफोर्ड नहीं करते, इतनी बड़ी कोठी बाप बना के दे गया, गाड़ियां लेके दे गया, गहनों की कमी नहीं, दोनों बेटे दोनों बहुएं चार जी वो कमा रहे हैं, बाप का पैसा अलग, अपनी रिटायरमेंट हुई उसकी पेंशन भी आ रही है, पैसा भी मिला, इतना कुछ होने के बाद अफोर्ड नहीं करते। मैंने कहा अफोर्ड नहीं करते? बोले सीधी बात है, अब उन लोगों को लगता है जो पड़ा है हमारे काम आएगा, आप खर्च क्यों रहे हो इसको। हद हो गई कि नहीं? मतलब अगर अगली 50 लाख या करोड़ रुपया छोड़ जा रही है तुम्हारे लिए, और आता भी जा रहा है, पेंशन आती जा रही है, उसमें से अगले को अपने पर 1 लाख भी खर्चने का हक नहीं है। हालत देखो, सोच के देखो। अभी तुम बोलो हमारे सत्संग में हाल बनना है बड़ा या कुछ है, मेरा मन है कुछ देने का, कहेंगे कल से सत्संग ही नहीं जाना, ये वाले सत्संग जाना रहने दो। क्यों? क्योंकि जो हमारे लिए रखा है उसको हाथ ना लगाना। तुम लोग कभी सोचते ही नहीं हो कि तुम्हारी जिंदगी कैसे जा रही है। तुम सारी जिंदगी रोना धोना दुखी होना, बातें सुनना, परेशान होना, बस इसी के लिए जीवन है तुम्हारा। तेरा जीवन किस लिए? कभी अपने से सवाल करके देखो, तेरा जीवन किस अर्थ जा रहा है? चलो सारी बातें एक तरफ छोड़ दो, सिर्फ हम समय ही तो मांग रहे हैं थोड़ा सा, वो भी जब वो फ्री टाइम है उनसे। चलो तुम बिजी हो तो हम एडजस्ट कर रहे हैं, पर जब तुम फ्री हो तो। इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी है उन लोगों की, अगर हम 5 दिन दफ्तर जाएं तो तुम बाल बच्चा संभालो, घर बैठो, क्योंकि बच्चा कहाँ जाए। चलो हो गया, अब 2 दिन तुम्हारी छुट्टी है, तो अब हम आराम ना करें। मतलब तुम तो आराम तुम्हें तो चाहिए ही नहीं, अब वो 2 दिन भी उनको घूमे फिरे नहीं, हम आराम ना करें, हम कहीं ना जाएं। मतलब 7 दिन उन्हीं के हैं, तेरे लिए 1 दिन भी नहीं। और ईमानदारी उनकी ये बनती है, फ्राइडे शाम को तुम्हें छुट्टी मिल जानी चाहिए कि जाओ मम्मी संडे रात को या मंडे सुबह आ जाना, 2 दिन आप भी रेस्ट करो, आप भी घूमो, आपका भी कोई शौक है, आपका भी कोई प्यार है। समझते हैं? तुम इतना समझते हो उनको, इतना समझते हो, इतना ज्यादा समझ गए हो कि वो तुम्हें समझना ही भूल गए। तुमने अपनी जरूरत कभी दिखाई नहीं, दिखाई है जरूरत, अपने सत्संग की जरूरत दिखाई है। तुम बोलोगे अब घर बैठे ही हैं तो मूड क्या खराब करना, तो फिर उनको लगता है कोई फर्क तो पड़ता नहीं, दिखाओ ना मुझे फर्क पड़ता है,
जबरदस्ती भी मुंह टेढ़ा करो मत खाओ रोटी एक दिन, बोलो मेरे अंदर ही नहीं जा रही, मैं उदास हूं, मैं परेशान हूं, ना तुम्हारा मायका है ना तुम्हारा ससुराल है, सिर्फ एक गुरु का दर है जाने को, वहां भी आने की छुट्टी नहीं, क्यों भाई? तुम खुद ही नहीं दिखाते है ना। फिर वो लोग कहेंगे इतना ज्ञान सुनते हो आप मुंह बनाते हो, बोलो ये उदासी तो आती है, और किसी बात के लिए हम मुंह नहीं बनाते, कुछ मिले ना मिले, पर भाई ये उदासी तो आती है। तुम्हें जवाब ही नहीं देने आते, बोलते फिर ज्ञान सुनाते हैं आगे से, इतना सत्संग आपने सुना है फिर मूड खराब कर रहे हो, बोलो होता है मूड खराब, मेरा तो होता है, मुझे नहीं लगता गुरु अंग संग है, मुझे दर्शन की आस होती है, मेरा मन करता है मैं उनके पास बैठूं दर्शन करूं सत्संग सुनूं, मेरे को ठंडक ही तब पड़ती है, मैं क्या करूं? बोलो, तुम शो ही नहीं करना चाहते ना अपनी उदासी को ना परेशानी को, बस ठीक है एडजस्ट करे जा रहे हैं, गुरु ने कहा है ना एडजस्ट करो, आधा ज्ञान सुनते हो हमारा आधा छोड़ जाते हो, उस सांप की तरह सत्संग सुनते हो, गुरु ने कहा था डसना नहीं, उसने फुफकारना भी बंद कर दिया, लव लुआन हो गया, फिर कहता है गुरुजी आपके ज्ञान ने मेरा ये हाल किया, ज्ञान ने कोई हाल नहीं किया, तुम अपनी हालत खुद बदतर करते हो, ज्ञान क्या कहता है तुम्हें, खुद स्ट्रांग बनो तो कोई बात ही नहीं, खुद पावर में रहो, कभी कभी ना हक लेने पड़ते हैं, मिलते नहीं हैं दुनिया से, हम इंतजार कर रहे हैं कभी तो इनको भी अंदर से महसूस होगा, कहां से महसूस होगा, तुम महसूस करवाओगे तो होगा, रियलाइज कराना पड़ता है, अपने आप कोई नहीं करता रियलाइज, तुम कराओ रियलाइज कि हमारी भी कोई जिंदगी है, तुम अपना बैठे हैं आराम से, पता लगे उन्होंने रियलाइज किया तेरे मरने के बाद, अब क्या करोगे? जब तुम चल दिए तब उन्होंने रियलाइज किया, ऐसा रियलाइजेशन किस काम का, सामने सामने रियलाइज करवाओ ना, पता चलना चाहिए उनको भी, जमीन जायदाद हर चीज के वो हकदार हैं, और वैसे मां बाप के किसी फर्ज के हकदार हैं? तुम बोलो आज कहीं शादी है जाओ निभा के आओ देख के आओ, आपने चलना है तो ले चलते हैं, नहीं तो आप आओ, आपकी रिश्तेदारी है तो मेरी रिश्तेदारी है तो जमीन जायदाद भी तो मेरी है, तू कहां से आ गया लेने, बोल के दिखाओ, तुम्हारी खुशी के लिए ले आओ एक दिन, बोलो चलो दिवाली है मेरा मन है तुम चलो मत्था भी टेक आओ कुछ प्रसाद भी ले चलो खिला के आओ मुंह मीठा करा के आओ मेरी खुशी के लिए चलो आएंगे, और तुम उनकी खुशी के लिए कहाँ कहाँ घसीटते हो, समधियों के भी जाओगे इधर भी जाओगे उधर भी जाओगे, उनके दोस्त आ जाएं तो भी खाने बनाओगे, सहेलियां आ जाएंगी बहू की तो भी बनाओगे, ना बेटा तो इनके साथ बैठ मैं देती हूँ सारा कुछ, पानी से लेके और खानों तक मीठे तक चाय तक चलो, तुम एक दिन हक रख सकते हो, उनको बोलो हमारी खुशी के लिए तुम चलो, मेरे लिए चल पड़ो अपने भाव से ना चलो, तुम्हारी माँ कहीं जाती है तो मत्था टेक नहीं चल पड़ो मेरे खातिर चले चलो, आएंगे कहेंगे जब अपने शहर आए हो बता देना एक दिन मत्था टेक आएंगे लेके आओ देखें हम, और तुम्हें सब कुछ करना है, करना है नहीं करना है, तुम्हें सब कुछ करना है, अभी बहू के मायके में भी दूर का भी कोई मर जाए तुम्हें तब भी जाना है, तुम ना नहीं कर सकते तुम बोल दो उनको कि कभी वो यहां शहर में आए होंगे हम मिल आएंगे तब, नहीं नहीं आप चलो चाहे दो घंटे का रास्ता हो, और कभी कभी तो कहेंगे हम नहीं जा रहे तुम ही निभाया हो जाके, तुम उनकी भी निभाओ,
और तुम्हें ये कहने का हक नहीं कि मेरे साथ एक दिन चलो, कह सकते हो। पहले तो तुम ही कहने से डरोगे, और कह भी दोगे तो वापसी तुम्हें पता है किसी ने हां भरनी नहीं। क्या अधिकार है तुम्हारा घर में? सब कुछ देने के बाद भी क्या हक है बताओ? वो नहीं होता लुटा हुआ ज्वारी, वो हालत है। संसार का दाव खेला ना, सब कुछ लुट गया इस जुए में। ये तो अभी भी गुरु गले ना लगाए, प्यार ना करे तो जीने लायक नहीं हो, सांसी ना आए। दुनिया वालों ने तो इतना लूट लिया, लुटे पिटे ज्वारी बन गए हो, जो सब कुछ हार चुके, सब कुछ दाव पे लग गया। हासिल थी इन दी हैरानी, हैरानी हाथ आती है सिर्फ, और क्या हाथ आ रहा है, और क्या कर रहे हो? जरा अपने से पूछ के देखो, विचार करके देखो, अपने को माया रहित बनाने का तुमने यत्न शुरू किया? सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ समझ रहे हो, सब कुछ सुन रहे हो, फिर भी डर रहे हो। अब इसको क्या बोलें? यही मतलब हुआ ना कि तुम्हें ही नहीं निश्चय कि मैं आत्मा होके, ब्रह्म होके, भगवान होके मेरे से क्या कर्म हो रहा, तुम्हारे ही निश्चय में खोट हुआ ना। फिर तुम्हें तो घबराहट हो अंदर से कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा सारा जीवन ये संसार की हलचल में ही बर्बाद होता जा रहा है, सारी जिंदगी गवा दी मैंने अपनी ऐसी, हरि सुमरन ले रखे आई केड़ा वेला मनवा। बाल अवस्था तू खेड गवाई मनवा, खेडन दे ली मंगदासे वेड़े खुले मनवा। फिर आई जवानी मनवा, क्या हुआ? विषय विकारा ने पाया घेरा मनवा। फिर और अवस्था चढ़ी, बच्चिया ने पाया घेरा मनवा। और अवस्था चढ़ी, रोगा ने पाया घेरा मनवा। बस जब बच्चों ने घेरा तो कम नहीं मुकदे मनवा, तेरे कम नहीं खत्म होते। बुढ़ापे में तेरा शरीर साथ नहीं देता, खत्म जीवन। हरि सुमरन ले रखे आई केड़ा वेला मनवा, ढूंढ तो सही कौन सा समय बचा के रखा है तुमने हरि सुमरन के लिए, कौन सा वक्त बचाया? कोई वक्त नहीं बचाया। जैसे आया वैसे चला संसार से, और सब कामों के लिए वक्त निकला, ईश्वर के लिए वक्त ही ना निकला। लास्ट में याद आता है भगवान, थोड़ी मोहलत दियो मैं तेरा सिमरन कर लूं। भगवान कहता है नहीं, तू एतबार के लायक नहीं, इतना समय तुझे दिया, सब किया, पर तूने पलट के क्या किया? ईश्वर का विश्वास भी हार बैठे। क्या आया हाथ में? खाली हाथ आए, खाली हाथ चले, कम से कम थोड़ा सा भक्ति का धन तो कमा लिया होता।
क्योंकि जो तुम कर रहे हो परमात्मा तुमसे नहीं पूछेगा कि ये सब करके आए कि नहीं, नहीं पूछेगा भगवान तुमसे। तुम्हें होश ही नहीं, बेहोशियों में जीवन मत गवाओ अपना, जागो। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोए पांव पसार। फिर क्या जागोगे, अभी जागो, आज जागो, यही वक्त है जागने का। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ी बातें सुननी पड़ेंगी, थोड़ा मन को मोड़ना पड़ेगा, लेकिन हमेशा के लिए निकल जाओगे परपंच से बाहर। और नहीं तो मेंढक की तरह अगर सोचा ना, अभी तो सह पा रहा हूं, फिर निकलूंगा, फिर एक दिन सड़के वहीं खत्म हो जाओगे। होशियार बनो, समझदार बनो, बैलेंस करके चलना सीखो। आई बात समझ में कि नहीं आई?